नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं मशीन पॉइंट। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको टेक्निकल नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले, और इस वीडियो से देखकर आप कुछ सीख सकें। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्रेक एक्चुएटर के बारे में। यहाँ पे नोमेनक्लेचर दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं। एक्चुअली इसमें इस एक्चुएटर में एयर की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से एयर बार बार ड्रॉप हो जा रही थी। चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो के तरफ चलते हैं। तो ये है ब्रेक एक्चुएटर, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हम लोगों ने इस हाईवा से निकाली हुई है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो पोर्ट हैं, एक सर्विस ब्रेक की, एक पार्किंग ब्रेक की। ये मैनुअल एडजस्टमेंट है पार्किंग ब्रेक की, और ये योक है, और ये दो माउंटिंग बोल्ट है जहाँ पे वो माउंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे डिसमेंटल करेंगे सर्विस ब्रेक साइड, क्योंकि सर्विस ब्रेक साइड में इतना ज़्यादा लीकेज था कि जिसकी वजह से ड्राइवर जो है हर टाइम कंप्लेन करते थे कि जैसे ही मैं ब्रेक पैडल दबाता हूँ तो हमारी जो एयर है वो सडनली डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, अगर प्रेस करके रखते हैं तो। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे डिसमेंटल करते हैं और देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। चलिए हम लोग क्लैंप की बोल्ट निकाल लेते हैं। ये सर्विस ब्रेक चैम्बर की क्लैंप की बोल्ट है जो हम लोग निकाल रहे हैं, और इस क्लैंप को निकाल लेंगे और ये हमारा सर्विस ब्रेक साइड की हाउसिंग आसानी से बाहर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस एलन की बोल्ट को निकालते ही ज़रा सा हम लोग इसमें इस क्लैंप को फैलाएंगे और इसे किसी चीज़ से टोकेंगे तो ये आसानी से रिटर्न स्प्रिंग के प्रेशर से वो आसानी से निकल जाएगा। फ्रेंड्स, ये ने हम लोगों ने निकाल दिया है। देखिए, इसके अंदर एक डायफ्राम है और इसमें कुछ डस्ट वगैरह भी हैं। अब देखते हैं, ये डायफ्राम कटने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो चलिए, ये है सर्विस ब्रेक चैम्बर। देखिए फ्रेंड्स, ये है डायफ्राम। ये देखिए, यहाँ पर ये लीकेज है, तो जिसके वजह से ब्रेक पैडल दबाने से यहाँ से एयर लीक हो जाती थी। तो फ्रेंड्स, देखिए ये डायफ्राम है, इस डायफ्राम के प्रॉब्लम से ही यहाँ से लीकेज हो रही थी, जिस वजह से हमारी एयर जो है वो ड्रॉप हो जा रही थी कंटिन्यूसली जब ब्रेक पैडल दबा के रखते थे तभी। देखिए, ये यहाँ पे डैमेज है, तो इसे अब हमें रिप्लेस करनी है। तो चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो सही हैं या नहीं। देखिए, ये है हमारा सर्विस ब्रेक चैम्बर, और एक ये है आपकी सर्विस ब्रेक की हाउसिंग, और ये प्लेट है, रिटर्न पुश रॉड की प्लेट है, और इसके अंदर जो स्प्रिंग है वो रिटर्न स्प्रिंग है, और ये यहाँ पे माउंटिंग बोल्ट है, और ये योक है। चलिए, अब हम इसे क्लीन करना है। अब हमें इसे क्लीन करने के बाद, चलिए हम लोगों ने इसे क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद अब देख लेते हैं ये सही तरीके से क्लीन हुए हैं या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अभी उस समय तो बहुत ज़्यादा गंदा थी ये, तो अभी जो है देखिए, ये होल है, ये ब्रीदर होल है, ये रिटर्न स्प्रिंग है जिसके बारे में बता रहा था, और ये पुश रॉड की प्लेट है जो डायफ्राम को सपोर्ट करती है। यह है इसकी क्लैंप जिससे दोनों चैम्बर को, दोनों हाउसिंग को हम लोग जोड़ते हैं, और यह हमारा पार्किंग ब्रेक साइड की है, और यह हमारा पिस्टन है। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ये इनलेट है सर्विस ब्रेक की, सर्विस ब्रेक की इन यहाँ से आउट इसके अंदर आती है। ये पार्किंग ब्रेक की इनलेट है जो आपकी बड़ी वाली हाउसिंग में आएगी, और ये सर्विस ब्रेक की इनलेट है जो सर्विस ब्रेक चैम्बर में आएगी और वहाँ से ब्रेक को अप्लाई करने में मदद करेगी इसके ज़रिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे न्यू डालते हैं। चलिए देख लेते हैं, अब हमें इसे डायफ्राम डालते हैं। यह है मैनुअल एडजस्टिंग पार्किंग ब्रेक की, जो हैंड ब्रेक जिसे बोलते हैं, ये मैनुअल एडजस्टिंग है। अगर ये ब्रेक पकड़ ले तो इसे लूज करने से मैनुअली वो पार्किंग ब्रेक रिलीज हो जाती है। यह है योक फ्रेंड जो हमारी स्लैक एडजस्टर में लगी हुई रहती है, जहाँ से ब्रेक को एडजस्ट करते हैं। चलिए, पहले हमें इसे एक टूल्स लेकर इसे हमें फुली तरह से
पुल कर लेनी है, इस स्प्रिंग को कंप्रेस्ड कर लेनी है ताकि हमें इसे फिट करने में और बिठाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसे हम लोग योक को हमने लॉक कर लिया है ताकि वो वापस ना जाए और हमें बिठाने के समय में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अब चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं, ये है न्यू डायफ्राम जो अभी अभी लेकर आया है हम लोगों ने, अब इसे हमें इसमें डालनी है। तो चलिए हम इसे अब इसकी चैम्बर में डालते हैं डायफ्राम को। डायफ्राम को अच्छी तरीके से इसके प्लेस पे बिठानी है। चलिए ये डायफ्राम को हम लोगों ने डाल दिया है, अब इसे सर्विस ब्रेक चैम्बर को हम लोग ऊपर से डालते हैं इसकी हाउसिंग को। ये हम लोगों ने हाउसिंग को डाल दिया इसके ऊपर। इसकी पोजीशन देखना ना भूले, इसकी पोजीशन जो है करेक्टली, माउंटिंग की पोजीशन जो है वो दोनों होस कनेक्शन के बीच में एक माउंटिंग की रखनी है, तभी ये आपकी प्रॉपर आ जाएगी। चलिए अब इसकी क्लैंप को हम लोग डाल देते हैं, ये ओ क्लैंप है। अब इस क्लैंप को डालने के बाद इस दोनों पार्ट को हम लोग जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद इसे अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। चलिए इसे थोड़ा, इस क्लैंप को बैठाने में थोड़ा सा हल्का प्रॉब्लम होती है क्योंकि डायफ्राम न्यू है, तो क्या होता है ये सही तरीके से ये क्लैंप दबती नहीं है, जिसके वजह से हमें थोड़ा इसे हैमरिंग करके या किसी चीज़ से इसे मार के इसे बैठानी होती है हल्की। तो चलिए अब हम इसमें एलन की बोल्ट लगा देते हैं। ये एलन की बोल्ट हम लोगों ने डाल दिया है और इस एलन की बोल्ट को अच्छी तरीके से इसे ग्रूव में देख कर ही इस क्लैंप को टाइट करें ताकि ये ब्रेक मारने के बाद वापस निकल ना जाए। तो इसे करेक्टली इस ग्रूव में देख कर इसे टाइट करनी रहती है। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा सा साइड साइड से इसे दबाते हैं और इसे टाइट करते हैं ताकि ये आसानी से इसमें टाइट हो जाए। फ्रेंड्स, ये एयर निकलने की जो बीमारी है ये बहुत सी व्हीकल में होती हैं, तो बहुत सी व्हीकल में अलग अलग जगह से भी होती है, पर इस व्हीकल में इस एक्चुएटर से ही निकलने की प्रॉब्लम थी, जिसके वजह से हम लोगों ने इसे फाइंड आउट किया और इसे डिसमेंटल करके निकाला और इसे रिप्लेस कर रहे हैं। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप आसानी से इसे देखकर आप इसे खुद से भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसे इस एलंकी को टाइट करते हैं अच्छी तरीका से। एक साइड में 13 नंबर की नट है और दूसरे साइड में एलंकी हेड है, उसको अच्छी तरीका से धीरे धीरे टाइट करते जाएंगे। एक्चुअली ये जो ड्राइवर है ये बहुत दिन से ही परेशान थे कि इसे पता ही नहीं चल पा रहा था कि कहाँ से एयर लीक हो रहा है। जैसे ही वो ब्रेक पैडल प्रेस करके रखता था तो, और एक बार प्रेस करता था तो सारी एयर जो है सडनली स्पीडली डाउन होती थी, जिसके वजह से उसे बार बार गाड़ी को व्हीकल में बार बार वो एयर बनाने की समस्या रह जाती थी, जिसके वजह से वो डीजल की कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलिए अब हम इसे अच्छी तरीके से फुल टाइट कर लेंगे। इसे टाइट करने के बाद हमें इसे जो लॉक किया हुआ स्क्रू ड्राइवर के थ्रू जो हमने योक को लॉक किया हुआ है उसे हम लोग छुड़ा लेंगे। तो चलिए हम लोग इसे सही तरीके से टाइट कर लेते हैं ताकि ये वापस निकले ना, और इसे चेक भी कर लेंगे ये हमारा एक्चुएटर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, ये एक्चुएटर की डायफ्राम रिप्लेसमेंट के लिए। तो चलिए अब हमें इसे स्क्रू ड्राइवर को निकाल लेनी है और ये योक को फ्री कर लेनी है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये थोड़ा कंप्रेस होने के बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन वो आसानी से आ जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये निकालने के बाद हम देखेंगे इसे फिट करेंगे। ये हम लोग निकाल लिया इसे, अब हम लोगों को इसे व्हीकल में फिट करनी है।
तो फ्रेंड्स इसको व्हीकल में फिट कर लेते हैं। इस जगह पे ये फिट हो गई है डायफ्राम, और ये सॉरी ये एक्चुएटर यहाँ पे फिट होगी। ये दो होस कनेक्शन है, एक सर्विस ब्रेक की एक पार्किंग ब्रेक की। ये एक एक्चुएटर में दोनों ब्रेक होते हैं, एक पार्किंग और एक सर्विस ब्रेक। तो फ्रेंड्स आप जैसे कि देख रहे हैं हम लोगों ने इसे माउंट कर दिया है यहाँ पे, और इसकी ब्रेक एक्चुएटर को चेक कर लेंगे। ये हम लोगों ने वाटर डालकर चेक कर लिया कि कहीं से लीकेज है या नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 24 नंबर की जो नट दिख रही है उसे हम लोग को फुल्ली टाइट करके अंदर कर देनी है, ताकि सर्विस ब्रेक और पार्किंग ब्रेक दोनों काम करे इस एक्चुएटर में। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, और क्वेश्चंस है तो आप उसे आंसर भी ले सकते हैं मुझसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।